नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अभी कोरोना वायरस का आउटब्रेक चल रहा है, तो आशा करते हैं आप लोग सेफ एंड साउंड होंगे और घर में रहिए, हेल्दी फूड खाइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज बनाते हैं एवोकाडो टोस्ट, जो बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम एवोकाडो से गुआकामोली बनाएंगे और इन्हें सर्व करेंगे ब्रेड टोस्ट के साथ। और ये रेसिपी मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी बेटी बनाने जा रही है। एक्चुअली ये ब्रेक में घर पर है और ये नाश्ता इसे और हम सभी को बहुत पसंद है। और पहली बार इसी ने बनाकर खिलाई थी और जब भी ये घर पर होती है तो हम सभी को खिलाती है। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत ही हेल्दी डिश है ये। और एवोकाडो सभी को ऐसे ही पसंद नहीं होते हैं, पहले मैं भी नहीं खा सकती थी और ये जब टोस्ट बना कर दी तो बहुत ही अच्छी लगती है रेसिपी, बहुत ही पसंद होते हैं सबको। चलिए देखते हैं और बनाते हैं। तो इसके लिए 3-4 टमाटर को बारीक काट लिए हैं, 2 प्याज को बारीक काट लिए हैं, 2 नींबू का रस निकाल लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया काट कर लिए हैं और स्वाद अनुसार नमक यूज करेंगे और काली मिर्च थोड़ा सा डालेंगे। और आप चाहे तो 1-2 हरी मिर्च काट कर डाल सकते हैं। और देखिए टोस्ट के लिए एवोकाडो इस तरह का लेंगे, जो काला भी दिख रहा है वो है पका हुआ और ये हरा नहीं पका है। वैसे ये बहुत जल्दी से पक जाता है तो हम हरा ही लाएंगे खरीद कर, और घर में 1-2 रोज रखने के बाद पक जाता है। तो इन्हें काट लेते हैं इस तरह से और इसका बीज निकाल देते हैं और इस तरह से इसका पल्प निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है इसका पल्प, तो सारे इस तरह से चम्मच से निकाल लेते हैं। ये फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी है, आप बच्चे को ऐसे भी खिलाए तो बहुत ही फायदाजनक है। तो सारे पल्प निकल चुके हैं, अब इन्हें एक मैसर की सहायता से अथवा चम्मच की सहायता से इसे क्रश कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो सारे मिला लिए हैं, देखिए बहुत आसानी से मिल गए हैं। तो इनमें डालेंगे सारे चीज हम जो रखे हैं काट कर। तो ये प्याज को हमने काट कर और पानी में डुबो कर रखे थे, 1-2 बार पानी से धो लिए थे। इस डिश में प्याज का स्ट्रांग स्मेल अच्छा नहीं लगता है, तो आप 1-2 बार पानी से धो लीजिएगा प्याज को। तो सारे प्याज डाल लेते हैं अब इसमें डालते हैं टमाटर। हरा धनिया लेमन जूस, लेमन जूस आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डिश में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। सारे चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिला लेते हैं। अब इनमें डाल लेते हैं नमक और काली मिर्च का पाउडर। नमक आप अपने स्वाद अनुसार से डालिएगा, अभी हम 1/2 चम्मच डाल रहे हैं इनमें, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। एक बार फिर से सारे चीजों को मिला लेते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में ये। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए दिखने में बहुत कलरफुल लग रहा है, लग रहा है कि अभी ही खा लें। तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं ब्रेड टोस्ट के साथ। तो मैंने ब्रेड टोस्ट कर लिए हैं। ब्रेड टोस्ट करने के लिए गैस पर पैन रखकर घी अथवा बटर अथवा तेल कोई एक चीज़ रखकर थोड़ा सा, और इन्हें दोनों तरफ सेक लेंगे अच्छी तरह से क्रंची होने तक। अब इस तरह एक ब्रेड के ऊपर ये गुआकामोली डालेंगे, एक मोटी लेयर डालेंगे इसका, देखिए इस तरह से। अब एक ऊपर ब्रेड डाल देंगे। और इस डिश को आप ब्राउन ब्रेड से बनाते हैं तो और भी हेल्दी होगा ये डिश। आज मेरे पास ब्राउन ब्रेड नहीं थी, यही थी, और जल्दी जल्दी में मैं बना भी नहीं पाई ब्रेड। अब ये खाने के लिए तैयार है। तो लीजिए गुआकामोली ब्रेड टोस्ट बनकर तैयार है, और आप भी इसी तरह से बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे आपको। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।